हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सी टेट सोल्ड पेपर लेकर आए हैं फरवरी 2015 से संबंधित। दोस्तों, हिंदी भाषा वन के बारे में हम आपको सोल्ड पेपर कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों एग्ज़ाम PRT का था, जो फरवरी 2015 सी टेट का ये एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषा विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा कि भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए जो बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन 4 इज प्रत्यक्ष विधि, यानी बिना दूसरी भाषा के सीखने में सहायक होती है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं कि राइट आंसर आएगा कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खालिस्तान नहीं है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 की प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से संबंध हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन आपने ध्यान से देखे, इसका राइट आंसर आप बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर ध्यान से सुनिएगा कि ऑप्शन 2 बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खालिस्तान सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 के प्रश्नों के उत्तर पूछना। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता नहीं होता या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4 की होता है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, त्रुटियां अस्थायी होता है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सह यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में चल रहा हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आंकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का सुप्त लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की अक्षमता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग अक्षमता। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन अक्षमता का आंकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संविधानात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा बाल साहित्य की कोई संविधानात्मक कहानी। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी मानक स्वरूप लिए होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बच्चे की जो है भाषाई पूंजी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने के विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कॉपियां भरवाना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है सीखने को विस्तार देना।
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को अधिक प्रयास करना पड़ता है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तिरोह कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। दोस्तों आपको पता है कि एक पैराग्राफ आता है, गद्यांश आता है, उसको अच्छी प्रकार से रीड करना होता है और उसके नीचे दोस्तों प्रश्न दिए होते हैं जो कि गद्यांश में से छाट कर ये हमें उत्तर छाटने होते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई दे, जहाँ धरती और आसमान पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि उसकी सीमा नहीं है। फिट और इंसान शब्द है, फिट और इंसान शब्द देश है, अगाध है, तत्सम है, तद्भव है। तो दोस्तों ये जो फिट और इंसान विदेशी शब्द है जिनकी हिंदी भाषा में आगत भाषा के रूप में माना गया है। तो दोस्तों आगत भाषा यानी इंग्लिश के जो कि ट्यों हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं। बनोड़ शोक ने जीवन की उपमा किससे की है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से या क्षितिज से? तो दोस्तों ये बुरोडो ने जीवन की उपमा खुली पुस्तक यानी खुली पुस्तक से बताया है। खुली किताब कह सकते हैं, खुली पुस्तक कह सकते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4। प्रकृतिक और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बनने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक हो, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा जीने का हक है। आसमान हमें दिखाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा भय से छुटकारे का आश्वासन। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव, प्रकृति। तो दोस्तों भय के अतिरिक्त अन्य किसी शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों भय आएगा, भय में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अपराध शब्द है, अपराध शब्द क्या है? भाववाचक है, पदार्थवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो दोस्तों ऑप्शन जो बनते हैं अपराध शब्द है भाववाचक आएगा। दोस्तों ये भाव करार आया, अपराध शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये एक कविता का पंद्यास दिया हुआ है। चीटिया ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को प्रकृति पहुंचती, वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चीटियों से पहले संकेतों में रहती है, ये शब्द संधान रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रहती है, संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे भी, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है, वे पुरुषों द्वारा छोड़ी गई गंध है, फिर से एकजुट होती है। चीटियां आपस में बातचीत कैसे करती है? छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि चीटियां आपस में संकेतों से बातचीत करती है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी न चाहने वाला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ईर्ष्यालु करना। बिखरी हुई चीटियां फिर से एकजुट कैसे होती है? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं को चुनौती से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा पूर्वजों की गंध से। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र और शत्रु के चेहरे को चीटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती है, भूल जाती है, याद रखती है? तो दोस्तों ये याद रखती है, ये राइट आंसर आएगा। काव्यांश में मगर का अर्थ है केवल मगरमच्छ परंतु घड़ियाल। तो दोस्तों मगर का जो अर्थ होता है परंतु होता है, आप सभी को पता है परंतु। तो दोस्तों इस तरह हमने हिंदी विषय से संबंधित जो CTET 2015 में जो 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था PRT का, हिंदी से संबंधित जो है सोल्ड पेपर किया है, ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों हम आपको जितने भी CTET के एग्ज़ाम
हुए हैं उनका सोल्ड पेपर करवा रहे हैं। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस यूट्यूब के अबाउट में जाकर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।